सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हमजा ने मुझे याद कराया कि सबसे पहले टॉप स्टोरीज। पीटीआई हुकूमत के शानदार सेहत सहूलत प्रोग्राम को झटका। वफाकी हुकूमत ने सेहत कार्ड्स के फंड्स जारी करने बंद कर दिए। अस्पतालों ने मुफ्त इलाज करने से माजरत कर ली। मुस्तहिक मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। और आज उमर गुल बने सुबह सवेरे के मेहमान। ये क्या हुआ हमजा? क्या हुआ ये सेहत कार्ड वाला मामला? क्या हुआ ये? बड़ी एक हैरानकुन बात है। हमें भी कल ही ये बात पता चली। और एक रिहायशी हैं खुशाब के अमीर हमजा, उन्होंने रोजनामा 92 न्यूज़ से बात की है। उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है कैंसर का मरीज है और 2016 में ये पाकिस्तान जो था सेहत कार्ड था जो गुज़श्ता हुकूमत ने जारी किया था वो मिला और उसकी जो मियाद है वो 2021 तक है गालिबन, लेकिन उसकी आखिरी कीमोथेरेपी हुई है लाहौर में कुछ सेमी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपके कार्ड के अंदर तो पैसे ही मौजूद नहीं है और पेमेंट जब तक आप नहीं करेंगे हम उसका इलाज नहीं करेंगे। अरे ये सिर्फ एक सारिफ की बात तो आपको हमजा ने सुनाई जिन्होंने रोजनामा 92 से बात की। कुछ और लोगों के इस बारे में कमेंट्स भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, सुनते हैं उनका क्या कहना है। कार्ड मिले ने असी कुछ डॉक्टर को किसी को जाने हैं दवाई लैन वास्ते तो सानू ये कहता जी कोई छोटी मोटी बीमारी तो सानू कोई इंदा नहीं मिलनी दवाई, कोई बड़ी बीमारी थानू लगेगी तो फिर थानू मिलना। हुण असी बड़ी बीमारी का इंतजार करते हैं। मरीज ज्यादा बीमार होएगा दवाई मिलेगी, माड़ा मोटा बुखार कोई चीज होएगी तो दवाई नहीं मिल सकती। कार्ड लै तो सानू कोई फायदा नहीं मिले हैगा। दिहाड़ी 3-400 कमाई का सेहत कार्ड असं अप्लाई किया वा तो उन्होंने कहा ना हैला तुसीं। कोई गरीब बंदा वो 4-5 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उसको ये सहूलियत मुहैया होती है अच्छा काम इकदाम है गवर्नमेंट का। सेहत कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो ये चंद दिन के बाद ये हमें मैसेज आया कि आप ना हेल हैं। गरीब आदमी को ये सहूलत है और 4-5 लाख रुपए अस्पताल में गरीब लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो जी लोगों की बातें आपने भी सुनी हमने भी सुनी और तो हैरत ही हो रही है सुन के कि ये एक बड़ा इनकलाबी कदम था हुकूमत का और ये तो अच्छा एक वो प्रोग्राम था जिसको कि वो अपहोल्ड भी करते हैं और इसको बड़ा जिसके बारे में फ़ख्र भी करते हैं और करना भी चाहिए। इसलिए कि सेहत का मसला जो है बुनियादी मसलों में शामिल है और हुकूमत ने पिछले साल ये जो है कार्ड्स का इजरा किया था सहूलत जो है ये बहुत सारे लोगों को इससे मिल रही थी, लेकिन ये क्यों नहीं मिल पा रही और क्यों नहीं इफेक्टिवली ये सिलसिला चल पा रहा हम बात करते हैं इस बारे में। और हाँ सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके इल्म में हमें अभी हमने लोगों की राय भी चलाई है, अस्पताल ये कह रहे हैं कि उनको सेहत इंसाफ कार्ड की पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं जिसकी वजह से वो मज़ीद इलाज नहीं कर सकते और गरीब लोग जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं, तो क्या मामलात आपके इल्म में हैं और इनका कोई हल और तदारुक का बंदोबस्त भी है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जहाँ तक सेहत इंसाफ कार्ड का ताल्लुक है ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने पेमेंट करनी होती है और अगर कोई किसी अस्पताल को उसकी पेमेंट नहीं मिल रही तो शिकायत का तरीका है, उनको अपनी शिकायत जो है वो अरसाल करनी चाहिए और हम भी इसके अंदर देख लेंगे। आप कंप्लेंट जो है वो दर्ज करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको आपका टाइम से आपकी पेमेंट नहीं हो रही। बाकी जहाँ तक इंस्ट्रक्शन देने का ताल्लुक है मैं इंश्योर करूँगी कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि देखें कई दफ़ा रुकावटें इस वजह से भी होती हैं कि बिल सही नहीं बना हुआ होता या ओवर बिलिंग हुई भी होती है, इन सारी चीज़ों को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को देखना पड़ता है। तो बहुत अहम है कि सारे अस्पताल जो इस वक्त इंश्योरेंस के साथ डील कर रहे हैं वो अपनी बिलिंग का तरीका सही इख्तियार करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ओवर बिलिंग की बात की है तो ये शफाफियत के इश्यूज भी सामने आ रहे हैं कि अस्पताल मिली भगत करते हैं, जाली मरीज होते हैं, उनसे इस पर जो है पेमेंट करवाई जाती है और फिर जब पेमेंट हो जाती है उनको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तो वो आपस में बांट लेते हैं, आधे आधे पैसे कर लेते हैं, तो इस शफाफियत के लिए क्या किया जा रहा है? जो अहम बात है कि वो मरीज जिसका उसका आईडी कार्ड के पर उसका वो इशू हुआ था उस मरीज के अलावा और उसके अपने घर के जो फर्द हैं यानी उसकी जो बे फॉर्म है उसके ऊपर जो फर्द उस पर डिपेंडेंट हैं उन सब का इलाज उस कार्ड के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि कोई जाली तरीके से कोई इलाज करवाए। और सबसे बड़ी बात है इसकी पेमेंट जहाँ तक ताल है वो अस्पताल बिल देता है और ये पेमेंट डायरेक्टली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अस्पतालों। डॉक्टर साहब आपके इल्म में
ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक चीज जो है वो सेहत के बारे में भी है, जहाँ पर हम बहुत लैक करते हैं और वहाँ पे हमारा नंबर जो है बहुत ख़राब है। यानी पाकिस्तान में WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक कम अज़ कम 1,000 लोगों के ऊपर जो है वो एक डॉक्टर होना चाहिए कम अज़ कम, और पाकिस्तान उससे बहुत नीचे है, 1,300 अफराद के लिए भी एक डॉक्टर मुश्किल से मैसर है। आप बताइएगा इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये सिर्फ फैसलाबाद, कराची, लाहौर, बड़े शहरों की बात थोड़ी हो रही है। पंजाब तो बड़ी आबादी का जो है वो सूबा है, दूर दराज इलाके हैं, छोटे जो हैं वो गांव देहात तक ये सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए क्या सोचा जा रहा है? मेरा ख्याल है इस वक्त तो जितनी बड़ी बहुत इकदाम हमने उठाए हैं, सबसे पहले आपने एक अच्छी बात पे निशानदेही की कि डॉक्टर्स कम, नर्सेस कम थी हमारे आने के बाद, हमने तकरीबन 32,000 डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स रखे। मकसद ही उन सबको रखने का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स मौजूद हों फील्ड के अंदर, ताकि मरीज़ों को सेहत की सहूलत मिल सके। जहाँ तक डॉक्टर्स का बनने का ताल्लुक है, हर साल कोई तकरीबन 3,000 से ज़्यादा जो हैं वो पंजाब के अंदर सिर्फ बन रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जी ठीक है। डॉक्टर साहबा, यूनिवर्सल जो हेल्थ सिस्टम है, अगर हम देखें अपने हमसाया ममालिक में भी या फिर हम यूरोप के अंदर देखें, तो हुकूमतें इस पर फोकस कर रही होती हैं। खैर, सेहत इंसाफ कार्ड पर फोकस किया गया, लेकिन सारी सहूलियात अगर हम सिर्फ पंजाब की कर लें तो वो तो लाहौर के अंदर मैसर हैं, फिर लाहौर में प्रेशर आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकारी अस्पताल थे उनको बेहतर क्यों नहीं किया गया? अगर उनको बेहतर कर लिया जाता तो शायद ये कार्ड जो प्राइवेट अस्पतालों में जाके इस्तेमाल करने इनकी नौबत ना आती। लेकिन ये बात समझने आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम दोहरा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नए हस्पताल बन रहे हैं, 4 नए हस्पतालों की तामीर शुरू हो चुकी है। निश्तर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नया निश्तर 2 हॉस्पिटल बन रहा है, फिर उसके बाद लाहौर के अंदर 600 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, मियांवाली के अंदर 250 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, इसी तरीके से DG खान के अंदर कार्डियोलॉजी का सेंटर बन रहा है। इसके साथ साथ हमने नंबर ऑफ बेड्स, हस्पतालों की रीवैम्पिंग, ये सब कुछ भी इंश्योर किया है। हर साल तकरीबन 32 अरब रुपए का बजट सिर्फ दवाओं के लिए दिया जाता है, जिसके अंदर हमारे वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर हमारी कार्डियोलॉजी यूनिट्स हैं। इन सबको मिला के जब आप 32 अरब रुपए की दवा देते हैं लोगों को, तो कोशिश पूरी है कि गरीब आदमी को सेहत की सहूलत मिले। इसके अलावा हमने हेल्थ कार्ड दे दिए, 235 अस्पताल इस वक्त पंजाब के अंदर प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल। इसके अलावा इनमें ये 5 हमारे जो कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, उनको इम्पैनल किया हुआ है। सो न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में सहूलत मौजूद है, बल्कि जो निजी अस्पताल हैं जिन्होंने हमारे साथ कार्ड पे इम्पैनलिंग कराई है, ये मरीज़ उन निजी अस्पतालों में भी जाके इनडोर ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं। मज़ीद हमें नंबर ऑफ़ कार्ड्स पर एक्सपेंशन करनी चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 2 सालों के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी वो लोग जो गुर्बत की सतह से या जो दरमियाने के लोग भी हैं, उनको भी ये कार्ड मिल जाएं, ताकि हम एक जो मसला आ रहा है ना, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ज्यादा लोगों को कार्ड्स मिल चुके हैं। शिकायत पंजाब से आती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं उन्हें कार्ड नहीं मिल रहा या उन्हें उसके लिए क्वालिफाई नहीं तसव्वुर किया जा रहा, उसकी क्या वजूहत है? पंजाब क्यों पीछे रह गया? अभी तक 52 लाख फैमिलीज़ को हम कार्ड दे चुके हैं, 72 लाख फैमिलीज़ हम कंप्लीट इंशाल्लाह दिसंबर तक करेंगे, और इसके बाद मज़ीद एक्सपेंशन करने का इरादा है। तो ये फेज़ वाइज हमें भी इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि जिस तरह का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज खैबर पख्तूनख्वा में, उसी तरह का हम दें। आप इस बात को मत भूलिएगा, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 2 करोड़ के करीब है, पंजाब की आबादी 11 करोड़ है। तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सेहत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। आबादी के हवाले से उन्होंने फ़र्क जो है वो रखा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हैं। झगड़ा साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। झगड़ा साहब बताइएगा, क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड जो हैं वो फराहम कर दिए गए हैं, और क्या हस्पतालों को वक्त पर पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? पहली चीज़, फ़िलहाल तकरीबन रफली 35 से 40% पॉपुलेशन जो है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कवर्ड थी पुराने स्कीम के अंदर। कबायली अजला में 100% कवरेज है पिछले साल से। ओवर द लास्ट ईयर हमने एक कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस चलाया, जब से हमने ये डिसीजन लिया
कि 100% कवरेज करनी है और उसके लिए एक प्रोक्योरमेंट चलाया, वो उससे स्टेट लाइफ हमारा वेंडर जो है वो कंटिन्यू हुआ। हर हफ्ते इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम रिव्यू कर रहे हैं। जो 100% कवरेज होगी आईडी कार्ड की बेसिस पे, वो इंशाल्लाह 31 अक्टूबर के लगभग से शुरू होगी। 3 या 4 फेजेस में अक्टूबर और जनवरी या फरवरी के दरमियान कंप्लीट होगी। शुरुआत जो है इसका मालाकंड डिवीजन से होगा और ओवर द शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स पूरे सूबे में जो है इसकी कवरेज कम्प्लीटली जो है वो हो जाएगी। इसको हमने 3-4 छोटे फेसेस में स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि इतनी बड़ी इंश्योरेंस कवरेज पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये एडवाइस दी गई कि इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दें, थोड़े से फेजेस में कर दें ताकि इम्प्लीमेंटेशन के कोई अगर इश्यूज हो तो वो साथ साथ। ये भी बताइएगा, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये जो महदूद बड़े शहरों तक महदूद हैं जो हेल्थ की सहूलियात हैं, गरीब शख्स जो है वो अगर बीमार हो जाता है उसे शहर आना, वहाँ पर रहना, वहाँ इलाज करवाना, सेहत कार्ड कवर कर देगा शायद हेल्थ को, लेकिन बाकी जो एक्सपेंस अखराजात और उसके साथ साथ जो वक्त का ज़्यादा है, तवानाई का ज़िया है। पसमानदा छोटे इलाकों में सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं कि वहाँ पर भी दिल के अमराज का इलाज हो सके, खुदा नखास्ता कोई उसे और ऐसी पेचीदगी है उसका ऑपरेशन हो सके। अपनी पूरी हेल्थ केयर सिस्टम पे, हेल्थ कैपेसिटी पे काम जो है वो कर रहे हैं ताकि सारी जो तकरीबन 150 सेकेंडरी हॉस्पिटल्स और 1000+ जो प्राइमरी फैसिलिटीज है वो कवर हो। अब बहुत सा काम हुआ पिछले 5 साल में हुआ, उसकी अकासी यही जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, सेहत कार्ड स्कीम, जो यूनिवर्सल सेहत कार्ड स्कीम है। हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बहुत है। हम अभी जो एक हमारा इस पे नया फोकस है वो है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज की ऑपरेशनलाइजेशन को ठीक करना। डेवलपमेंट और करंट साइड दोनों पे स्कीम्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी साथ ले आए, टेक्निकल असिस्टेंट्स भी जो है वो लिए, ताकि 3 जो बड़ी चीज़ें, स्टाफ की फरहमी, इक्विपमेंट, मेडिसिन और फिर ओवरऑल ओवरसाइट। अगर आप ये कोविड का क्राइसिस ले लें तो चारों सूबों में जो सबसे ज़्यादा पब्लिक सेटिस्फैक्शन थी गवर्नमेंट के एफर्ट से वो खैबर पख्तूनख्वा से थी। तो चैलेंजिंग इकदाम लेने हैं जैसे हमने लेने हैं, उसमें शायद रेजिस्टेंस भी आए, उसमें शायद जो है सिस्टम रिएक्ट भी करे जहाँ पे इंटरेस्ट है। जी ठीक है झगड़ा साहब, ये बता दीजिएगा कि सेहत कार्ड के हवाले से लोगों को एजुकेट कैसे किया जा रहा है, क्योंकि ये शिकायत भी सामने आ रही है कि जब वो सेहत कार्ड लेकर अस्पतालों में जाते हैं तो उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, बिहेवियर उतना अच्छा नहीं होता जिस शख्स ने कैश पेमेंट करनी है उसके मुकाबले में, तो उस लिए आप क्या कर रहे हैं? जब हमने पूछा कि ये सेहत कार्ड से सेटिस्फैक्शन रेटिंग लोगों की क्या है, तो जिनको सर्विस मिली है 99% सेटिस्फैक्शन रेटिंग उनकी इंडिपेंडेंट फीडबैक में आ रही है। 2-3 चीजें हमें जो है वो वैसे ही एनेबल करनी है, हॉस्पिटल्स की सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे हो और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि हम पूरे पाकिस्तान में जो स्टेट लाइफ के साथ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेंगे। वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जो दिसंबर तक चल रहा है, उसका पहला फेज। जो सर्विसेज हैं वो 6 लाख से 10 लाख तक की दी गई हैं और पूरा एक अवेयरनेस और कम्युनिकेशन प्रोग्राम बन रहा है। और तीसरी चीज जो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमाइज करें बैरियर्स, स्टेट लाइफ जिन्होंने मैनेज करना है उनकी कस्टमर सर्विस बेहतरीन हो, जितनी भी सर्विसेज पूरे पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अवेल करना चाहे वो एक कार्ड पे और वो अपने आईडी कार्ड पे है। सही सलीम झगड़ा साहब, शुक्रिया। सरफराज काजमी साहब से बात करेंगे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और जो लास्ट आपने क्वेश्चन किया ना बहुत वैलिड है, इसलिए कि अगर आप हॉस्पिटल जाएं तो हमें लगता है कि वहाँ पर ये मसाइल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यही बात हम करेंगे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सरफराज काजमी साहब, गुड मॉर्निंग। आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे सर कि जो जिन लोगों को एक कार्ड का इजरा होता है अमूमन वो लोग हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी जिनकी नहीं है और वहाँ तालीम भी नहीं है इतनी, उनको ये डिजिटल चीज़ों का कार्ड का कहाँ जाना है, किससे मिलना है, रेफरल सिस्टम भी हमारा अच्छा नहीं है, तो आपके ख्याल में इस मसले का तदारुक के लिए क्या होना चाहिए अस्पतालों में?
बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि इसका एक नंबर है, उसके ऊपर आप जो है मैसेज करते हैं 8500 के ऊपर, और वो फौरन अपना आईडी कार्ड वो फौरन आपको बता देता है कि आर यू एलिजिबल फॉर दिस कार्ड और नॉट। ठीक है, उसको शायद उन्होंने लिंक किया हुआ है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके साथ। ठीक है, इसमें कुछ गैप्स हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो 7,20,000 रुपये तक का इसके अंदर जो है सर्विस ले सकता है कोई भी क्लाइंट कार्ड जैसे उसको इशू हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कि बहुत सारे हॉस्पिटल वो रजिस्टर हैं जिनके पास वो स्पेशलिटी नहीं है जिसकी वो क्लेम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं और वो हर स्पेशलिटी को अलग अलग रजिस्टर करते हैं हर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की। तो एक तो हेल्थ केयर कमीशन का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उस हॉस्पिटल में वो जो क्लेम कर रहा है उससे रेलेवेंट स्टाफ भी हो और वो स्पेशलिटी से मुतल्लिक तमाम खिदमात और टूल्स भी अवेलेबल हों, पहली बात। दूसरी बात जो मैं करना चाहूँगा इसके अंदर वो ये कि इसमें ओपीडी नहीं है। आपका बहुत क्लाइंट जो है वो है जो नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए हॉस्पिटल में गया, ये सिर्फ इसमें हॉस्पिटलाइजेशन है कि आप जाइए किसी बीमारी के साथ। अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो फिर आपको जो सर्विसेज हैं वो मिलेंगी, ओपीडी की कोई सर्विसेज नहीं है। ये एक सबसे बड़ा गैप है। तीसरा, अभी झगड़ा साहब कह रहे थे कि हम इसके ऊपर बहुत मैसिव कंपेन करने जा रहे हैं उसकी अवेयरनेस के हवाले से, तो इसमें अभी टाइगर फोर्स को भी इनको डालने की कोशिश करें। लेकिन सवाल ये है कि जो वॉलंटियरिज्म है पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ, ये एक दुनिया के अंदर बहुत 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 बड़ा सेगमेंट है और इसके अंदर उसके बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं कि आप वॉलंटियर करेंगे अगर यूथ को मोबिलाइज करना चाहते हैं तो आपके पास उनको देने के लिए इंसेंटिव क्या है। बगैर इंसेंटिव के मैं नहीं समझता कि आप यूथ को मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये 2-3 गैप्स हैं। नंबर 1 कि वो हॉस्पिटल जो उन्होंने इनरोल किए उनके पास वो स्पेशलिटीज नहीं है। नंबर 2 सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन है इसके अंदर, ओपीडी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, तो वो जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है मरीजों का वो नहीं मुझे समझ आ रहा कि वो कैसे सेटिस्फाई हैं जबकि उनको ओपीडी में वो सर्विस ही नहीं मिली। काजमी साहब, एक तनकीद होती है इस मंसूबे के ऊपर और वो तनकीद यही होती है कि इस तरह तो प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनमें ही मरीज जाया करेंगे, क्या हमें सरकारी अस्पतालों को बेहतर नहीं करना चाहिए था ताकि लोग वहां पर जाते और सरकारी अस्पताल बेहतर होते? क्या हमारी तवज्जो कम हो जाएगी सरकारी अस्पतालों की तरफ अगर यही मंसूबा आएगा कार्ड लेके हमने प्राइवेट अस्पताल जाना? बहुत अच्छा सवाल है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है अभी भी कोई 65-70% जो मरीज़ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है, सिर्फ 30% गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी भी आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं जो ओपीडीज़ हैं वो आपको पैक मिलेगी, वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। मतलब एक एक जो ओपीडी के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है 100-150 जो है उनको मरीज़ को वो जो है देख रहा है। ठीक है, तो ये वो मरीज़ है जो कि मार्जिलाइज्ड है, पुअर है, प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर पाता। और जब तक ये सेहत इंसाफ कार्ड के अंदर ओपीडी नहीं डालेंगे तो ये ओवर क्राउडेड रहेंगे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स। तो इसके अंदर ओपीडी को भी इनको डालने की ज़रूरत है कि वो क्लाइंट जिस नज़ला ज़ुकाम खांसी का है जिसको दवाई लेके वापस घर आ जाना है सेम डे के अंदर, वो भी इसके अंदर ट्रीट करने की ज़रूरत है अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ये रश कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सेहत कार्ड के हवाले से भी और इससे अलग भी थोड़ा सा, डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा फ्लरिश कर रहा है, खासतौर पर कोविड जैसी जो सिचुएशन है कि डॉक्टर अगर इस अस्पताल में मौजूद है लाहौर में वो यहाँ बैठकर भी किसी भी सदर्न पंजाब के जो गांव कस्बे में एक मोबाइल यूनिट के ज़रिए मरीज़ों को देख भी सकता है, उस मोबाइल यूनिट के पास अद्वियात हों जो कि फौरी तौर पर वहाँ मुहैया भी की जा सकती हैं। पूरी दुनिया में ये काम इस तरह से हो भी रहा है, हम क्यों नहीं ये कर सकते? गवर्नर साहब ने शायद कोशिश भी की थी इसके ऊपर, काजमी साहब। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जी, एक तो इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत है, फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर कनेक्टिविटी के इश्यूज होंगे वहाँ पे, ये यकीनन बहुत एक अच्छा मंसूबा हो सकता है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, इवन ये कि इंटरनेट जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर भी क्लाइंट को ट्रीट किया जा रहा है, तो अभी शुरू हो चुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक है, इसको फार फ्लंग एरियाज़ में रूरल एरियाज़ के अंदर वहाँ पर इक्विपमेंट की और हेल्थ केयर सर्विसज़ की जो है
फराहमी की जरूरत है कि हाँ अगर BHQ लेवल के ऊपर या THQ लेवल के ऊपर इन सर्विसेज को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा मंसूबा है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है और इसके रिजल्ट्स भी यकीनन बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरफराज काजमी साहब। मेरा भी मैं कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले पहले पाकिस्तान को इस तरह से देखूं कि टेलीमेडिसिन के ज़रिए से आप सर्विस जो ह्यूमैनिटी है ना कि आप यहाँ बैठे हुए भी बहुत दूर BHU और DHU जो हैं हमारे वो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और वहाँ पर मेडिसिन जो हैं वो दी जा सके, लोगों को ट्रीट किया जा सके। जब फरा आपने देखा हुकूमत ने कोशिश की थी कि BHU में हमारे डॉक्टर्स जाएँ, THQ में हमारे डॉक्टर्स जाएँ, लेकिन डॉक्टर्स को इस पर एतराज़ भी था, वो जाना भी नहीं चाह रहे थे कि हमने जी किंग एडवर्ड से हम पढ़े हैं अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, वो यूनिवर्सिटी हो गई है तो हम क्यों जाएं, ये एक रवैया भी बेहतर करने नहीं। लेकिन गांव और देहात की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है ना, या तो आप वहाँ पर भी सड़कें बाकी निज़ाम उसी तरह से करें जैसे बाकी दुनिया ने किया हुआ। हमारे यहाँ ये जो डिवीज़न है ना कि अर्बनाइजेशन क्यों ज़्यादा हुई, क्योंकि पक्की सड़क ही गाँव में इतनी देर से आई, वहाँ पर स्कूल ही इतनी देर से बने, वहाँ डिस्पेंसरियाँ अस्पताल ही नहीं है कि लोगों को लगा कि बेहतर तालीम मेयारी ज़िंदगी के लिए उन्हें शहर ही मूव करना पड़ेगा। तो एक शहर में रहने वाले इंसान से आप एक्सपेक्ट करें कि वो सब कुछ छोड़ के वहाँ चला जाए जहाँ पे सहूलियात ही नहीं है, ये भी तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना। लंबी डिबेट है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और हम आपस में नया डिबेट करते हैं। स्टे विद अस।